Okay. Hello again. In continuation with the stroke series, in which we've been talking about the blockage of the artery supplying blood to the brain or the carotid artery, which when gets blocked, it leads to a area of the brain getting either damaged or completely devoid of blood supply. This causes the stroke or the symptoms of stroke, which I told you, a weakness in one half of the body, loss of speech or inability to speech, inability to walk, inability to feel anything on one half of the body. These are the symptoms of stroke, which unfortunately may or may not recover if the treatment is not given at the, if the condition is not diagnosed at the right time and the treatment is not given at an appropriate time. So what is the treatment? We said that we need a Doppler examination to evaluate whether there is a blockage in the artery, in the blood supply to the brain. This, if it confirms that there is a blockage, must be further re-encountered by some sort of angiographic evaluation. It can be done with a CT scan, a CT scan angiography, which is a fairly simple, straightforward procedure. A small contrast dose is given into the arm, and this can actually give us very good pictures of the artery and telling us and showing us whether the blockage is indeed there and where exactly the blockage is, so that it helps to plan the treatment. What is the treatment? The treatment, as in the heart, is to open up this artery. And just as in the heart, there are two ways of opening up the artery. One is without an operation, in which by an angiography, we can go into this artery and we put in what is called a filter. This is a, like an umbrella, which is placed inside the artery, which will actually go up and protect any clots from entering the brain. And then a stent is opened up below, and this opens up the passage of the artery. So, स्टेंटिंग की जाती है, पहले एक छतरी डालते हैं जिससे कि कोई क्लॉट वगैरह अंदर ना जाए दिमाग में, और फिर उसके बाद में स्टेंट को खोल दिया जाता है, और स्टेंट खुलने के बाद में वो छतरी को क्लोज करके हम वापस बाहर निकाल लेते हैं ताकि रास्ता वापस रीएस्टैब्लिश हो जाता है, चालू हो जाता है. सो ये एक ट्रीटमेंट है जो कि स्टेंटिंग बोला जाता है. अनफॉर्चुनेटली इस ट्रीटमेंट के बाद भी और इस ट्रीटमेंट के करने के दौरान भी स्ट्रोक होने के, यानी छोटे छोटे पीसेस ब्रेन में क्लॉट्स के जाने के की वजह से स्ट्रोक्स हो सकते हैं. तो ये एक ट्रीटमेंट है जो हम थोड़ा रिजर्व में रखते हैं और बहुत अप्रोप्रिएटली इसको बहुत ज्यादा नंबर्स में नहीं करते हैं ताकि ये स्ट्रोक होने के चांसेस कम रहें. इस ट्रीटमेंट का, ये जो ब्लॉकेज है, इसका जो एक परमानेंट इलाज, जो एक बहुत अच्छा इलाज है, जो आज से 50-60 सालों से किया जा रहा है, वो है इस नस को खोल के उसके अंदर से जो क्लॉट्स हैं उन क्लॉट को उसको निकाल लिया जाता है. और वो जब हम निकालते हैं उसके बाद में उसी नस को वापस हम बंद कर देते हैं, जिससे कि खून की सप्लाई दिमाग में अनइंटरप्टेड आराम से जा सकती है. ऐसा करने से फर्दर स्ट्रोक होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं, और 24-36 घंटे के बाद में, 36 आवर्स के बाद में पेशेंट आराम से उठ के घर जा सकता है. इसमें और कोई लंबा ट्रीटमेंट वगैरह की जरूरत नहीं होती. उसके बाद में कुछ गोलियां होती हैं जिससे कि खून पतला रहे, वो आपको खानी है, वो आप खाते रहेंगे, और रेगुलर चेकअप के लिए आपको आते रहना पड़ेगा. सो दो प्रोसीजर्स, एक स्टेंटिंग जो कि हम सब चाहते हैं बगैर ऑपरेशन के काम हो जाए, लेकिन इस खास करके इस पर्टिकुलर जगह में जो ऑपरेशन है, जो लोकल एनेस्थीजिया में किया जाता है, बेहोश नहीं करते हम इसके लिए, लोकल एनेस्थीजिया में एक जगह पे एक 3-2.5 इंच का एक चीरा लगा के आपको कोई तकलीफ नहीं होती जब ये प्रोसीजर किया जाता है. इस नस को हम खोल के उसके अंदर से ब्लॉकेज को निकाल के और हम इस नस को वापस चला देते हैं, जिससे कि फर्दर स्ट्रोक के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं. तो ये एक प्रोसीजर है जिसको हम रेगुलरली करते हैं. इसको कैरोटिड एंड आर्टरेक्टमी बोला जाता है, और इसके करने से पेशेंट के आगे रिस्क फैक्टर्स, आगे स्ट्रोक होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ना के बराबर हो जाते हैं. तो ये प्रोसीजर हम रेगुलरली करते हैं. जो वैस्कुलर सर्जरी के डॉक्टर्स होते हैं वही लोग करते हैं, और इसको करने से पेशेंट की सेफ्टी स्ट्रोक्स के मुताबिक बहुत कम हो जाती है.
तो ये एक संक्षिप्त में मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि स्ट्रोक क्या होता है, इसको डायग्नोस करने के लिए डॉपलर किया जाता है, उससे डायग्नोस करते हैं, कंफर्म करने के लिए सीटी स्कैन एंजियोग्राफी करके या एमआरआई एंजियोग्राफी करके एक ऑपरेशन करके इस नस को खोला जा सकता है, जिससे कि स्ट्रोक यानी पैरालिसिस यानी अधरंग यानी लकवा इसके चांसेस आगे फर्दर होने के ना के बराबर हो जाते हैं। सो थैंक यू, बताइएगा आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा और फिर इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा।